हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं क्रूड ऑयल के और यूएस ऑयल के। तो आज के लिए बात कर लेते हैं, हमने जो आज के टारगेट्स दिए थे उनका एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स रहा है। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 6064 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमें बाय साइड जाना है। हमारा टारगेट रहने वाला है अराउंड 6095 के पास, और अगर ये क्लोज हो जाता है इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट दे देती है तो हमें 6156 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो टारगेट भी एक्टिवेट नहीं हुआ। और डाउनसाइड पे हमने मार्क किया था, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे देखने के बाद हमें एक डाउनसाइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था 6035 तक के लिए, जो कि मार्केट ने यहाँ पे हिट भी किया है। तो मार्केट ने पहले डाउनसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ, उसके बाद मार्केट में अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ, और दोनों टारगेट्स मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली अचीव किए हैं। और अभी जो है मार्केट अपने 6035 के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट और नीचे जा सकती है 5999 पर। और अब हम बात कर लेते हैं डे के चार्ट पे कि कल क्या रह सकता है। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यूएस ऑयल में क्या टारगेट्स रहे हैं, यूएस ऑयल का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यूएस ऑयल में भी देखिए, हमने मार्क किए थे कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस किया था। अगर 73.65 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट देखिए, ओपनिंग हमारे अपसाइड का जो टारगेट है उसके ऊपर कैरी, और उसके मार्केट ने डाउनसाइड मोमेंटम लिया, यानी कि अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा डाउनसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ इस वाली कैंडल के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने इस पॉइंट पर 73.52 के लेवल को ब्रेक कर दिया। यहाँ से हमारा जो टारगेट एक्टिवेट हुआ वो था हमारा 73.24, इसके बाद हमारे पास सेकंड टारगेट था 73.03। तो ये दोनों टारगेट्स मार्केट ने एक्टिवेट हुए और ये दोनों टारगेट्स मार्केट ने हिट भी किए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से क्या लेवल्स रह सकते हैं कल के। तो क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं, 1 आवर के चार्ट से स्विच करते हैं डे के चार्ट पे। देखिए, हमने डिस्कस किया था क्रूड ऑयल में, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, डाउनसाइड का मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डे के चार्ट पे डाउनसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। और मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देख चुकी है, और कल भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, और आज जो है आज के डे के कैंडल ने हमें एक रेड सिग्नल दे दिया यहाँ से। तो मार्केट जो है डाउनसाइड पे जा सकती है। हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में भी कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, और मार्केट आज गिरी भी है, ऊपर गई थी लेकिन विक बनी है सिर्फ, अभी मार्केट अभी नीचे गिर रही है। तो कैंडल जो है, डे की कैंडल जो है, हमें बेयरिश ही देखने को मिलेगी। कल भी मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे ही गिरेगी क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से रेजिस्टेंस ले लिया है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं, यहाँ से हम लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मार्केट ने जो है इस ट्रेंड लाइन को हाई बेयरिश कैंडल के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है कल भी। तो सेल साइड के टारगेट्स जो है वो हमें ध्यान में रखने होंगे, बाय साइड के भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर इन केस मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास ट्रेड होना चाहिए लेने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से लेवल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। डाउन साइड के लिए हमारे पास 5999 का टारगेट है, ये लेवल है, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 5970, और ये ब्रेक होने का 5943 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इन केस मार्केट अगर 6035 को ब्रेक करती है तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ही हमें जो है रेजिस्टेंस देगी, उसके बाद 6064 का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अपसाइड पे जाने के लिए हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी, जब तक मार्केट 6064 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बाय साइड प्लान नहीं करेंगे। और ये ब्रेक होता है तो 6095 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा, और अगर 6095 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 6156 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस केस में हमारे पास दो डिसाइसिव लेवल्स हैं। सबसे पहले लेवल है हमारे पास 5999 का डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए, और बाय साइड जाना है तो 6064 को ब्रेक होने देना होगा, तभी हम बाय साइड का ट्रेड प्लान कर पाएंगे। हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल पे, डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे देखिए, मार्केट में आज भी हमें यहाँ पे एक ग्रीन रेड कैंडल देखने को मिल रही है, डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये एक लेवल है, इसको हम पहले ब्लैक मार्क कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, इस लेवल पर जो है इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर लेते हैं। ये जो आप लेवल देख रहे हैं 74.01 का लेवल है, ये लेवल में मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है, बहुत क्लियर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी मार्केट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है, आज भी मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, और एक डाउन ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिला था। डाउन ट्रेंड बन रहा है डे के चार्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड बनने के बाद आज जो हमें कैंडल मिली है वो हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है, जैसा कि हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिला। तो अभी यहाँ से मार्केट डाउन साइड को मोमेंटम ले सकती है। तो यूएस ऑयल में भी कल जो है सेल साइड के टारगेट्स को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो डे के चार्ट पे हम सेल साइड के टारगेट्स की बारी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, लेवल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स। 71.95 हमने मार्क किया है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं, यहाँ से लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, या इंप्रूवमेंट करनी होगी हमें अपने एग्जिस्टिंग लेवल्स पे, तो उस पर इंप्रूवमेंट कर लेंगे। तो 71.95 से पहले
हमें आवरली चार्ट पे 72.14 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 72.14 हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से मार्केट को 72.14 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर 72.14 ब्रेक कर दिया तो हमें एक और टारगेट देखने को मिल सकता है 71.66 का। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, बाय साइड जाती है, तो हमें किस तरह से प्लान करना है। देखिए यहाँ पर मार्केट अगर 73.03 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो 73.24 फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये ब्रेक हो गया तो 73.39 का टारगेट और 73.39 के और 73.52 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। बड़ी सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको आपको। और जो हमारे टारगेट्स हैं उनको ग्रीन मार्क करेंगे, जो डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं हमारी लेवल्स उनको ब्लैक रहने देंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं डाउन साइड पे हमारे जो टारगेट्स हैं उनको भी हम ग्रीन मार्क करेंगे। तो ये लेवल्स आ गए हमारे पास। अगर मार्केट ने 73.03 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट देने वाली है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, कैंडल आ जाती है, तो हम सेफ प्लान कर सकते हैं। सेल साइड पे बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम सेल साइड प्लान करेंगे। 72.14 का टारगेट, 72.14 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो 71.66 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट 73.03 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 73.2439 और 52 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।